हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऐसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में और सारी ही वैकेंसीज में आपको एक से बढ़कर एक मिलने वाली है। यानी कि वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। बहुत अच्छी अच्छी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नौकरी के बारे में आपको न्यूज़ मिलने वाली, तो वन बाय वन सारी वैकेंसी के बारे में स्टार्ट करते समय वीडियो थोड़ी लेंथी ज़रूर हो सकती है, पर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। कोई भी पार्ट स्किप मत करना। फर्स्ट है हमारा SSC की तरफ से मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है और इसमें आपकी 1500 से भी ज़्यादा वैकेंसी रखी गई है इन पोस्ट के लिए। बात करें इसमें अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो 7 मई से लेकर ना 6 जून तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होगा वो जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे इसकी ऑफिशियल डेट अनाउंस की जाएगी आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। सैलरी कितनी रहेगी, तो सैलरी आपकी 10th पास में, फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि आप इसमें अगर 10th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने बेसिक लेवल की स्टडी कर रखी ना तो भी आप इसके क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं। लेवल 1 पे आपकी सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपकी 18 से 25 साल के बीच में अगर एज है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। बात करें इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस का क्या चार्ज रहने वाला है, किस कैटेगरी के लिए, तो जनरल और OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं या फिर EWS से तो आपसे 100 रुपये चार्ज किया जाएगा SSC वालों की तरफ से। एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक SC ST फीमेल, चाहे जनरल की हो चाहे OBC की हो, या फिर अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपसे कोई भी फीस यहाँ पे नहीं ली जाएगी। बात करें इसके अंदर आपके कार्ड वगैरह की, तो इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन ही आपका इसमें एप्लीकेशन फ़ीस का जो चार्ज है वो काटा जाएगा, जो कि क्रेडिट डेबिट और कैश बैंकिंग के थ्रू हो सकता है। अब देखेंगे इसमें आप सिलेक्शन प्रोसेसर किस तरीके से लेने वाला है आपका। तो सिलेक्शन प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, जो कि मैंने आपको बताया जुलाई से अगस्त के बीच में रखा जाएगा। लेकिन अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट तो हो गई, साथ के साथ हवलदार यानी कि फिजिकल कंपलसरी हो जाता है। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा। तो इसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट देखें इसके अंदर अगर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो वो किस तरीके से कराया जाता है। तो इसका जो पेपर का पैटर्न रहने वाला है वो आपका 2 सेशंस में बटा होगा, सेशन 1 सेशन 2। सेशन 1 में आपके न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, जो कि आपके 60 नंबर के क्वेश्चन, 60 टोटल आपका जो क्वेश्चन होगा वो 60 नंबर का होगा। इसमें 20-20 क्वेश्चन रखे जाएंगे, यानी कि पर क्वेश्चन आपका इतने नंबर का पड़ जाता है। बात करें टाइमिंग की तो 45 मिनट मिलता है, लेकिन अगर आप पैरा 8 के अंदर आते हैं तो आपको पूरा 1 घंटा दिया जाता है। सेशन 2 में भी सेम जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंसिव से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें आपको 45 मिनट दिया जाएगा, लेकिन अगर आप पैरा 8 उससे बिलोंग करते हैं तो आपको 1 घंटा पूरा मिलेगा। ये 75 नंबर का होगा जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। बात सेम ही है, पर क्वेश्चन 3 नंबर्स का ही आपको पड़ जाता है। अप्लाई आप ऑनलाइन करेंगे, जॉब लोकेशन इंडिया में ही रहने वाली है, बाहर वैसे भी नहीं जाएगी। SSC.government.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी UPSC की तरफ से, तो ये मत समझना ये IAS IPS नो वो वाली नहीं है, दूसरी है। क्राइटेरिया थोड़ा कम ही है, आराम से क्लियर कर जाओगे। इसके अंदर जो पोस्ट है वो है NDA की, नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड नेवल अकेडमी NDA सेकंड की होने वाली है। और इन सेकंड इसमें कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 2024। वैकेंसी इसकी बात करें तो वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है एंड इसके अंदर पोस्ट आपको अच्छी अच्छी मिल जाती है। लाइक जैसे अगर आप NDA एंड NA सेकंड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 400 से ज़्यादा वैकेंसी है, और NDA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपका कह रहा है आर्मी नेवी एयरफोर्स सभी अप्लाई कर सकते हैं। और CDS सेकंड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 300+ वैकेंसी इसके अंदर रहने वाली है, जिसके लिए इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल, मतलब तीनों का ही यहाँ पे आ जाता है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग भी इसमें प्लस में इंक्लूड हो जाती है। 15 मई से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, 4 मई लास्ट डेट है। एग्जाम आपका 1 सितंबर को कंडक्ट हो जाएगा। आप अगर अभी से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो काफ़ी हद तक आप मैनेज कर लेंगे। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा हार्ड नहीं है। NDA और NA के लिए तो केवल 12th पास अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप अदर पोस्ट लाइक CDS में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो इसमें जैसे कि आप मिलिट्री ऑफिसर ट्रेनिंग या फिर एयरफोर्स की सोच रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इंडियन नेवल अकेडमी की सोच रहे हैं तो आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट होनी चाहिए, देन उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। एज का क्या क्राइटेरिया है, तो NDA और NA का अगर आप एग्ज़ाम कर रहे हैं
क्लियर करने की सोच रहे हैं, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2004 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप CDS के लिए सोच रहे हैं और IME NIE के लिए सोच रहे हैं, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। OTA के लिए भी ऐसे ही रहने वाला है। एंड एयरफोर्स के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 से 24 साल के बीच में एज होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस ज़्यादा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। NDA NA एग्ज़ाम के लिए जनरल OBC और कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये रहने वाला है, लेकिन वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से लाइक SC ST फीमेल कैंडिडेट, तब की कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। और अगर आप CDS एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें 100 रुपये और इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशंस भी थोड़ी हाई रखी जाती है, एज लिमिट में आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, एंड देन पढ़ाई को तो मैनेज बात वही पड़ जाती है। हाँ, इसके अंदर सैलरी भी ज़्यादा है। इसके लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फीस है रिजर्व कैटेगरी वाले, चाहे NDA में करें चाहे CDS में करें, उनकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगने वाली है। सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे रिटर्न टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। जब आप रिटर्न टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका SSB टेस्ट ही इंटरव्यू कराया जाएगा, जो कि टफ होता है। एंड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो upscgovernment.in या फिर upsconline.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंगरेनी कॉलरेज कंपनी लिमिटेड की तरफ से। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव केंद्र मैनेजमेंट ट्रेनिंग, नॉन एग्जीक्यूटिव केंद्र की, मतलब एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों में आ रहा है। एग्जीक्यूटिव में मैनेजमेंट के हो जाता है, और नॉन एग्जीक्यूटिव में जूनियर माइनिंग इंजीनियर ट्रेनिंग, असिस्टेंट फॉरमैन ट्रेनिंग, फील्ड ट्रेनिंग एंड इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग से रिलेटेड पोस्ट रखी गई है। वैकेंसी 327 रहने वाली है। अप्लाई करने की डेट 15 मई से लेकर 4 जून के बीच में रहेगी। क्वालिफिकेशन नॉर्मल है, 10+ IT डिग्री डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आपकी 30 ईयर्स यहाँ पर रखी जाती है। सिलेक्शन किस तरीके से कराया जाता है, तो सिलेक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिटर्न टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। जब आप उस रिटर्न टेस्ट को क्वालिफाई कर देते हैं तो देन आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, देन उसके बाद आपको एज अ कैंडिडेट हायर किया जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो SSCLMinds.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हो जाती है, जहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस कलेक्शन की तरफ से न्यू वैकेंसी है। इसके अंदर जो पोस्ट है टेक्नीशियन असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पर रखी गई है, एंड इसके अंदर 3000 से भी ज़्यादा वैकेंसी है, तो आप समझ सकते हैं काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट जॉब हो जाती है मेरे ख्याल से। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 1 मई से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, और पूरे महीने चलने वाले हैं, यानी कि आप 31 मई तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस को पे करने की भी लास्ट डेट 31 मई ही रहने वाली है। करेक्शन कराना है तो 7 जून है। अगर बात करें इसमें सैलरी कितनी रहेगी आपकी, तो सैलरी की बात की जाए तो 5200 रुपये से लेके 20200 रुपये के बीच में आपकी सैलरी का क्राइटेरिया रखा जाता है, जो कि ठीक ही है, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन थोड़ी कम है। नहीं, क्वालिफिकेशन तो कैडी है। बैचलर इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री से रिलेटेड अगर आपने स्टडी कर रखी है तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एंड एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो सभी कैटेगरी के लिए, चाहे वो जर्नल हो, OBC हो, SC हो या ST हो, सभी के लिए 25 रुपये, केवल और केवल 25 रुपये ही रखी गई है। रिटर्न टेस्ट आपका यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, देन उसके बाद आपको एज अ कैंडिडेट हायर किया जाएगा। जॉब लोकेशन आपकी UP में ही रहने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो upscgovernment.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। सेम उसी में ही नेक्स्ट वैकेंसी है, पर ये जूनियर इंजीनियर की रहने वाली है। पोस्ट का डिफरेंस है, उसमें 3000+ वैकेंसी है, उसमें 2500+ वैकेंसी है। एंड इसके लिए आप अप्लाई 7 मई से लेकर 7 जून तक कर सकते हैं। आपको पूरा 1 महीने का टाइम यहाँ पे दिया जाता है, और इसकी करेक्शन की 14 जून डेट रहने वाली है। सैलरी की बात करें तो 9300 रुपये से लेकर 34800 रुपये के बीच में सैलरी रहती है। पढ़ाई तो सेम ही है, तो आप क्यों ना जूनियर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करो, सैलरी पर इसमें थोड़ी सी प्रॉफिटेबल है। एंड इसमें एज लिमिट की बात की जाए, इसमें एप्लीकेशन फ़ीस भी सेम ही रहने वाली है, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, सारा क्राइटेरिया सेम है। नेक्स्ट हम देखते हैं पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट की। ओ माई गॉड, 6570 वैकेंसी इस पूरी वीडियो में, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसके अंदर ही है राज विभाग में पंचायत। एंड इसके अंदर बात करें तो 29 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ना अभी भी स्टार्ट है, आप चाहो तो आज भी भर सकते हो। 20000 रुपये यहाँ पे आपकी सैलरी रहती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, मास्टर है तो अच्छी बात है, MCA कर रखा है तो और भी अच्छी बात है। एज लिमिट मिनिमम यानी कि 18+ हो तो आप अप्लाई कर सकते, प्लस यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है कि आपकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज नहीं की जाती। सिलेक्शन का क्राइटेरिया सिंपल है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाता है, देन आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट स्टार्ट bihargovernment.in या फिर BIH हर
आई होप आपको ये वैकेंसी पसंद आई होंगी। वैकेंसी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना है मत करना, पर प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन जा सके, और अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो ज़रूर से अप्लाई कर पाए, और वो इन्फॉर्मेशन की वजह से तो वो बिल्कुल भी ना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना। थैंक यू। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आ चुका है, आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है पोस्ट। इसके अंदर फर्स्ट जो वैकेंसी है इसके अंदर क्या है, कुछ वैकेंसी ऐसी जिसमें फीस नहीं, किसी में एप्लीकेशन नहीं, किसी का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा ईजी है। वन बाय वन सारी वैकेंसी को देखते हुए चलते हैं, आपको सारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सारी वैकेंसी एक से बढ़कर एक होने वाली है एंड काफ़ी अच्छी होने वाली है। फर्स्ट है SSC की तरफ से मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्नीशियन की पोस्ट है, हवलदार की 1500 से भी ज़्यादा वैकेंसी है। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो 7 मई से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे एंड 6 जून इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट कराया जाएगा जो जुलाई से अगस्त के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा, या तो जुलाई की लास्ट वीक में या तो अगस्त की फर्स्ट या सेकेंड वीक में कंडक्ट आपका कराया जाएगा। पेमेंट आपका लेवल 1 पे रहने वाला है, यानी कि जो आपकी सैलरी रहेगी 10th बेस रहने वाला है, तो इतनी सैलरी वर्दी है। एंड इसमें एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 25 साल के बीच में आपकी एज लिमिट रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस, अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपकी केवल 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगती है, एंड अगर आप SC ST यानी कि रिजर्व कैटेगरी से हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर चार्ज नहीं की जाएगी। पेमेंट आप ऑनलाइन करेंगे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड के थ्रू आप कर पाएंगे। सिलेक्शन की बात करें तो अगर आप MTS वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, एंड अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी कराया जाता है। अप्लाई आप ऑनलाइन करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट है SSC.government.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट निकली हुई है। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, बट इसकी जो लास्ट डेट है 17 मई रहने वाली है। 17 मई तक आपको इसके लिए अप्लाई कर लेना है। सैलरी की बात करें तो 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये के बीच में आपकी सैलरी होगी, एंड आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 10th पास होना चाहिए तो आप इसके एलिजिबल रहते हैं। 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट है, जो आपको कम से कम होना ही चाहिए तभी आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस का कोई चार्ज नहीं है, सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई एग्ज़ाम नहीं है, बिल्कुल बेस्ट जॉब होने वाले है। सिर्फ आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा कि आपको ड्राइविंग करनी आती है या नहीं आती है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.indiapostgovernment.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप इसके लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे रिक्वायरमेंट सेल की तरफ से, नॉर्थन रेलवे की तरफ से है, ग्रुप डी की पोस्ट होने वाली है। बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। 16 मई इसकी लास्ट डेट है। सैलरी आपके यहाँ पे 5,200 रुपये से लेके 20,200 रुपये के बीच में रहने वाली है। क्वालिफिकेशन केवल 10th पास चाहिए, आराम से अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपये, SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये, और ये जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी आपकी रिफंडेबल रहने वाली है। पेमेंट आप ऑनलाइन मोड करेंगे, कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा, बस स्पोर्ट्स ट्रायल होगा आपका। एंड ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो RRC.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है जहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी इसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, सब लोग जानते हैं UPSC की तरफ से, पर इसमें IAS वगैरह की पोस्ट नहीं है। फिलहाल इसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा जिसके लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसमें पोस्ट कौन सी है तो पोस्ट जो है इसके अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट रहने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है तो इसके अंदर जो पोस्ट है ना बहुत सारी है, इसी के अंदर मिक्सअप है। लाइक इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 506 है, जिसमें से BSF के लिए 186 वैकेंसी है, CRPF के लिए 120 वैकेंसी है, CISF के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 100 वैकेंसी, ITBP के लिए 58 वैकेंसी और SSB के लिए यहाँ पे 42 वैकेंसी रहने वाली है। तो सारी पोस्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप सभी को हर पोस्ट के बारे में डिटेल में पता होगा। BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो जाता है। इसके अंदर अप्लाई करने की डेट की बात करें तो 14 मई इसकी लास्ट डेट है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, आप चाहे तो ईजिली फिल कर सकते हैं किसी कैफे वगैरह से, फिर अपने फ़ोन के हेल्प से भी कर सकते हैं। सैलरी कितनी रहेगी तो 56,100 रुपये से लेके 1,77,500 रुपये के बीच में आपकी यहाँ पे सैलरी रखी जाती है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो 10th और 12th वाले तो नहीं कर पाएंगे, कम से कम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो, और आपकी जो एज लिमिट है 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी
तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से लाइक एससी एसटी और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग और ई चलान के थ्रू आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेसर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपका रिटर्न एग्जामिनेशन टेस्ट कराया जाता है। जब आप रिटर्न एग्जामिनेशन टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, देन आपका मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है एंड लास्ट में आपका इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है। अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, इसकी एक डिटेल वीडियो आ जाएगी। अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन है, जॉब लोकेशन इंडिया में रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो upsc.government.in और upsconline.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की सारी वैकेंसी, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसको सब लोगों को शेयर कर देना। अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो इस बात से ना रहे कि उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना। एंड किसी भी वैकेंसी से कोई भी क्वायरी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, विद इन 24 आवर्स आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा।